आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। हीर जी, मेरी चोटी बनाई है ना, और ये परांदे भी लगाइएगा। वीरा, मैंने ये परांदा बांधना नहीं आता। ओह वीर जी, तो बचपन में थोड़ी ना आपको चोटी बनाना आता था, वो भी तो तुक्के मार मार के सीखा है ना। वैसे परांदे भी बांध दीजिएगा। कीजिए ना वीर जी। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊँ इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा, अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा, ओ वीर की अरदास वीरा। कितनी सोनी लग रही है तू, देख तो रतन, नजर लग जाएगी तेरे को, इतनी प्यारी लग रही है। वीर जी, अब नहीं थे, आइए आइए आइए। वीर जी, मेरी चोटी बनाई है ना, और ये परांदे भी लगाइएगा। वीरा, मैंने ये परांदा बांधना नहीं आता। ओह वीर जी, तो बचपन में थोड़ी ना आपको चोटी बनाना आता था, वो भी तो तुक्के मार मार के सीखा है ना। वैसे ही परांदे भी बांध दीजिएगा। कीजिए ना वीर जी। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊँ इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा, अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा, ओ वीर की अरदास वीरा। अब वीरा हो गई। हायो रब्बा। वीरा, एक बार शीशे में देख ले। शीशे में क्यों? आपने बनाई है ना, अगर अच्छी नहीं भी होगी ना तो भी मुझे तो यही पसंद है, ऐसी ही जाऊंगी मैं। वीर जी, सब ठीक लग रहा है ना? हाँ। ए दुपट्टा ठीक है ना? बताइए। हाँ सब ठीक ही है।
वीर जी है ना, मैं आपके वास्ते लाई हूँ। आप सगाई में यही पहनिएगा, बड़े चंगे लगेंगे। लीजिए। वो रहने दीजिए चाय को, अपना ये पहन लीजिए, अच्छे लगेंगे। चल ठीक है, चंगा तू कहती है तो पहन लेती हूँ। दीजी मैं निकल रहा। पर क्यों, हमारे साथ नहीं चलेगा? बीजी वो सगाई के लिए बलवंत आई जी की मदद करनी है, इसे जल्दी जा रहा। आप लोग बाद में आ जाना। कैसी लग रही हूँ मैं? सब ठीक है ना? आई होप सो। चीचड़ी, मेरे को ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई है। है ना रतन, कुछ कमी है ना इसके अंदर? मोटी चाय जी, बताइए ना आपकी कमी लग रही है। सब तो ठीक है, और वैसे भी गुंजन दीदी की सगाई है, मेरी नहीं। वो तो ठीक है, पर रतन बताना इसको, लग रहा है ना कुछ कमी है। मैंने लगता है कि काजल कम है। वैसे तो मैंने लगाया था, पर एक बार जाके ना मैं चेक कर लेती हूँ। रुक जा वीरा। मैंने तो पहले नहीं देखे थे। अरे देखती कहां से, इसने तो कब से लेकर रखे तेरे लिए। इसने कहा था पढ़ाई पूरी करके दिल्ली से जब आएगी ना तब वीरा को दूंगी, है ना रतन? सब कुछ तो आपने बता दिया ना चाय जी। ओ मैं चंगी लग रही हूं ना मैं? पहन के ना और भी सोनी लगेगी तू। थैंक यू वीर जी। अपलोडेड, सो फाइनली सारी फोटोग्राफ ट्रांसफर हो गए। अपने जल्दी से अपलोड। और करण, सब की है की कर रहा है तू? हाँ? यार वो कल लड़के वाले आए थे ना, तो मैंने फोटोग्राफ्स खींची थी, बस उन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने भी दिखा। देख, तो कमाल है। चंगा मुंडा मिला है गुंजन ने, अब खुश रखेगा उसे। अब वैसे भी अब गुंजन का तो सपना ही था विदेश जाना, वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। ओह माय गॉड, मम्मा क्या हुआ बेटा? ये वही लड़का है ना जगजीत? हाँ, लेकिन इसका फोटो पता नहीं, करण ने अभी अभी अपलोड किया है। देखने से लग रहा है जगजीत की शादी इसी लड़के के साथ हो रही है। तो एक काम कर, करण को जल्दी से फोन कर, फौरन उसको इन्फॉर्म कर, कहीं देर ना हो जाए। हाँ। अब पता है करण
और मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन इस बदमाश गुंजन की याद वड्डी आएगी मैंने, और मैं लड़ता जरूर हूं उसके साथ, लेकिन सच कहूं तो घर बिल्कुल सूना पड़ जाना है। और यार लेकिन करण वो तो ऐ बात ना, गुंजन को मत बताना है? और क्या है ना जी, और दिल छोटा वोटा करने से ना मर्दानगी कम दिखती है। जोड़ गुनू, आज जिंदा है कि मर गया है? ऑन भी नहीं हो रहा यार ये तो। अच्छा कोई नहीं यार, अब वैसे भी आज रात तो दिल्ली वास्ते निकल ही रहे हैं, तो एक नया ले लेना है, अब तब तक के लिए तू अपना सिम मेरे फोन में डाल ले। अरे नहीं नहीं यार, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देख वैसे भी मैं कोई अर्जेंट कॉल एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहा हूँ, वैसे भी मैं अपने फोन पर इतना डिपेंडेंट नहीं हूँ, दिल्ली जाएंगे वहां से ले लेंगे, बिग डील। चल चंगा, अब वैसे भी तो पिंड में आया ना, अब पिंड के ब्याह के मजे ले, हैं? आ जा भाई। क्या हुआ बेटा, फोन लगा? मम्मा करण का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है, अगर करण को मैसेज नहीं मिला तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू एक काम कर, उसको ईमेल भेज, हो सकता है ऑनलाइन हो। हाँ मम्मा। जल्दी कर। तो ठीक है, अभी फोन तो वैसे ही खराब है, और अब मैं इसे भी बंद कर देता हूं। ये ले, हो गया। और अब मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ शादी के फंक्शंस पे। अब बता क्या करना है। चलो भाई आ जा। कुछ था पुत्र तेरे ब्याह के लिए, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि तेरे लिए ढंग के नए गहने भी नहीं खरीद सका। अगर कुछ खास और अनोखा दे सकता हूं तो वो सिर्फ यह है, यह गहने मेरी मां ने अपने ब्याह में पहने थे, अब ये तुझे दे रहा हूं पुत्र। बहुत सुंदर है पापा जी। ते कनाडा में तेरा प्यो तेरे नाल नहीं भी हुआ तो क्या? इन गहनों के रूप में तेरी दादी का और हम सबका आशीर्वाद तेरे साथ रहे। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे पापा जी। अब एक ये आंसू फिर निकला, जब से तेरे रिश्ते की बात पक्की हुई है ना पत्थर, हर दो मिनट में आ जाती। बेटियां होती इतनी कमाल की चीज है। होंगी ही ना पापा जी, आप ही कहते हो कि कुड़ियां अपने प्योदा मान होंदी है, अपने कलेजे से चीर के बनाई होंदी है। अपने ससुराल तुझे देश जा रही है पुत्र, और तू दुगनी हो गई तेरी जिम्मेदारियां। घर के अंदर अपने बाप की लाज रखना पुत्र,
और घर के बाहर अपने देश की, ताकि लोग भी कहें कि आ देखो कहां से आई है कुड़ी। पापा जी उत्ते बाहर मैंने कुड़ी नहीं कहेंगे, मैंने गरल कहेंगे कनाडा में। मनु माफ कर दे पुत्र, मैं जानता हूं कि तेरे बचपन में जैसे मुझे खड़े रहना चाहिए था तेरे लिए नहीं हो पाया, गलती हुई है मुझसे, तेरी पढ़ाई। पापा जी उस बचपन की गुंजन में भूल चुकी हूं मैं, और आप भी भूल जाओ, याद दिलाओगे तो हंसना मुश्किल हो जाएगा ना, और अभी तो हंसना है, खुशियां मनानी है ना पापा जी, आपकी कुड़ी कनाडा जा रही है। रब तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।